पागल यार, बना लेते इसका। इन्हें बनाया नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, रुक जा रुक जा। आप मेरी बात नहीं कर रही है, लेकिन बन गई है तब बनाई थी, बन गई थोड़ी थोड़ी सी, बन गई थोड़ी सी थोड़ी सी। चुपो चुपो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाबू को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। और बाबू को जब भी मैं नहलाती हूँ तो आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि बाबू नहा रहा है, इतना शोर मचाता है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है इसे नहलाने में, बहुत ही मुश्किल से मैं इसे नहला पाती हूँ। कभी किसी चीज़ का लालच देना पड़ता है, कभी कुछ, तब मैं इसको नहला पाती हूँ, तब ये नहाने के लिए तैयार होता है। और आज भी बहुत रो रहा था नहाते टाइम, तो मैं इनको तैयार कर रही हूँ। बाकी बच्चे अपने आप रेडी हो जाते हैं, भूमि और माही, बट इनको, बाबू को मुझे रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। कभी ब्रश नहीं करेंगे, कभी खुद से करेंगे, कभी ठंड लग रही है, इनके पास बहुत बहाने रहते हैं। तो इनको मैं तैयार कर रही हूँ। बेचारे लुढ़क गया, पता है बाय बाय, तू बाय बाय। फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं नहा भी चुकी हूँ, और अब मैं अपने काम करती हूँ। तब मैं अपने काम करूँगी तब बच्चे भी आ जाएंगे। ये धुलने वाले कपड़े मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। इकट्ठे करके रख दो तो फिर ढूंढने की दिक्कत नहीं होती है, जब धोना होता है तो हमें ये मिल जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी वापस आ गए हैं स्कूल से, तो मैं बाबू के कपड़े चेंज करवा रही हूँ। जब तक मैंने अपने सारे काम किए तब तक इन लोगों के आने का भी टाइम हो गया, तो मैं इनके कपड़े चेंज करवा रही हूँ। इनके कपड़े चेंज करवा के मैं इनको कुछ खाने के लिए दूंगी। इन लोगों ने खाना नहीं खाया था, इन लोगों को मैक्रोनी खानी थी, तो मैंने कहा चलो मैक्रोनी बना देती हूँ इन लोगों के लिए। मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। और मैक्रोनी बनाते बनाते ही आप देखिए क्या हुआ, मैं तो बहुत ही डर गई थी, मुझे लगा कि आज क्या हो गया ये, बट भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक था। जब तक मैक्रोनी बन रही है तब तक मैंने सोचा कि चलो ये जो बर्तन रखे हैं इनको मैं लगा देती हूँ स्टैंड में, तो साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बर्तन, और भूमि रेडी हो गई है टाइकोंडो क्लास जाने के लिए। और मैं बर्तन लगा रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कुकर से ये क्या हुआ, एकदम से आवाज़ आई। और ये देखिए, मैं बहुत ही डर गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कुकर गैस बंद करूं या क्या करूं। फिर भी मैंने हिम्मत करके गैस को बंद कर दिया, फिर मैंने कुकर का ढक्कन खोला और इसको दोबारा से ठीक करके लगाया। मुझे तो ये लगा था कि कुकर फट गया है, मैं बहुत डर गई थी। भूमि बोतल उठ लो बैग में, उठो उठो उठो, मुझे ना
लोग जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं जाने के लिए और माँ ही निकल गई है, भूमि बाद में जाएंगी। आज इन लोगों का बेल्ट प्रमोशन है, बच्चे चले गए हैं, अब मैं यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ चाय। और बाबू गया है अपनी ताई के घर पे, बेल्ट प्रमोशन हो गया है, आज ये ग्रीन बेल्ट हो गई है और माही भी ग्रीन बेल्ट हो गई है। भूमि कैसा लग रहा है ग्रीन बेल्ट होके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर कुछ बोले बेल्ट बांधते टाइम? सर ने कुछ नहीं बोले पहली बात तो। और वो दूसरे सर बांध रहे थे बेल्ट, ब्लैक बेल्ट वाले, तो सबने कहा कि सर अजय सर वाले हैं, अजय सर वाले हैं। वीडियो बनाई थी किसके फोन से ले गई थी? और क्या। हाँ तो भूमि ने वहाँ पे इनका जब बेल्ट प्रमोशन हुआ है तो माही ने वीडियो शायद बनाई है, अगर बनाई होगी तो मैं डाल दूँगी ब्लॉग पे। और पहले ये वाइट बेल्ट थे, फिर येलो हुए, आज ये ग्रीन बेल्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे माही आ गई है और माही का बेल्ट प्रमोशन हो गया है। माही कैसा लग रहा है?